সারা ভারতবর্ষে যদি যে চাঁদা না হলে ইলেকট্রাল বন্ডের নামে ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্সকে ভয় দেখিয়ে যে হাজার হাজার কোটি টাকা মোদি নিজে রোজগার করলো সেই টাকাটা বণ্টিত হবে কি, চাঁদা নিয়ে ধান্দা করার যে ব্যবস্থা করলো, ঘুষের পরিবর্তে কাজের যে ব্যবস্থা করলো, সেই টাকাগুলো কি বেআইনি পথে রোজগার করার টাকা নয়? লটারি চালানোর নামে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের ফান্ডে যে টাকা জমা পড়লো, বিহার দু নম্বরই লটারি চালানোর নামে চেন্নাইয়ের টাকা জমা পড়ছে দিদির ফান্ডে, কারণ বাংলার বেকার যুবকদের তাদেরও জুয়া খেলার উৎসাহিত করবার জন্য দিদি দরজা খুলে দিল, সেখানে 600 কোটি টাকা জমা পড়ল, সেগুলো কি বেটে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত অর্থ নয়? বাংলার মানুষজনদের প্রতারিতদের যে টাকা 3000 কোটি টাকা সেটা ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকে যখন কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেই ফোনেই কথা হয় এবং সেখানেই বলেন যে ইডির বাজেয়াপ্ত করা যে 3000 কোটি টাকা সেটা বাংলার মানুষজনদের যাতে ফেরানো যায় তার জন্য আইনি পরামর্শ নেওয়া হবে, নতুন সরকার গঠন হলে তার পথ খোঁজা হবে, এমনটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণনগরের বিজেপির প্রার্থী অমৃতা রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর আশ্বাস দিয়েছেন। আপনারা জানেন গতকালই বশিরহাটের দলীয় প্রার্থী রেখা পাত্রর সঙ্গে কথা হয়, কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থীকেও ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গরিব মানুষকে লুঠের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, ইডি যেসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে গরিব মানুষকে ফেরতের ব্যবস্থা করেছি, কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোনে এমনই বলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় পরিবর্তন হবেই, দুর্নীতি সমূলে উৎখাত করবে বিজেপি, কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থীকে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অমৃতা জি নমস্কার। নমস্কার মোদী জি, আপকা বহুত আভারী হুঁ, আপ মুঝে চান্স দিয়ে হ্যায় লোকো কি সেবা করনে কে লিয়ে, হাম 100% কোশিশ করেঙ্গে। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं, क्यों किया वो नहीं बोल रहा है, इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं, तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे, तो उसी लिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया, जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ, तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते, हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। ये खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, भगवान राम की बात आती है तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है,
इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो, सही बात। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो तुरंत निकालते हैं, तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है। और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आपने तो बंगाल का उज्जवल भविष्य और आपका स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए रहा है। हाँ जी। और आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की भी चुनौती है। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइज ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है, किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया, वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेड अप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज हैं, क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइज रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइज मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे।